आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडा खशखाश की एक शानदार रेसिपी। ये देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हुए हैं। बहुत कम सामान से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सालन। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैंने आधा पाव खशखाश लिए, मैंने इसको 3 घंटे पहले भिगो दिया था और अच्छी तरीके से मैंने सिल पे पीस लिया है इसको। आप चाहें तो जूसर का जो छोटा वाला वो होता है जग, उसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन ये सिल पे बिल्कुल सही पिसता है। 3 मैंने अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और नमक डाला है। 3 अदद मैंने बड़ी प्याजें ली हैं, वो बारीक काट ली हैं। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्चें 4 अदद, ये भी मैंने काट ली हैं। आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, आधी चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। ये देखें, ये मैंने ये हल्दी ली है मैंने आधी चम्मच और नमक लिया है हसबे जायका। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में तेल डाला है 1/2 कप। ये मैं प्याज इसमें डालूंगी और मुझे इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ कलर चेंज करना है इसका, प्याज का। देखिए गाइस, जब तक मैं ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ, जब तक मैं इसका कलर चेंज हो, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें खशखाश ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में। ये मैंने मसाले भी इसमें ऐड कर दिए। मैं इसको भूनूंगी खशखाश को इसके साथ। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, तेल थोड़ा सेपरेट हो गया इसका। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। कि देखें, हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि वो इसमें पक जाए, उसकी खुशबू भी बस जाए इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से 2-3 मिनट हम इसको और भूनेंगे, इसका थोड़ा सा तेल सेपरेट हो जाए। ये देखें, तेल इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें अंडे जो मैंने फेंट के रखे हैं, ये देखें, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप इसमें अंडे 4 से 5 भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि अंडे पक जाएँ। ये देखें, थोड़े से अंडे पक गए। अब मैं इसको मिला दूंगी इसमें अच्छी तरीके से। ये देखें, मिल चुके हैं अंडे इसमें, वो तकरीबन डन भी हो गए, पक गए हैं ये। 2 मिनट के लिए मैं इसको और ढक के पकाऊंगी। मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह, इसकी फाइनल लुक। ये बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।